55 साल का मरीज था, उसका नाम सुमय था। उसको लगभग 22 साल से गर्दन पर एक बड़ी सी गांठ मिली जो कि पिछले 2 साल से काफ़ी फास्ट पड़ रही थी। तो ये बृहस्पतिवार को हमारे पास 12 तारीख को आया, हम लोगों ने उसको भर्ती कर लिया और तुरंत दूसरे दिन शुक्रवार को उसका ऑपरेशन कर दिया। लगभग 4 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और 1 किलो 400 ग्राम की ट्यूमर निकाली। ऑपरेशन में चीफ सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार सर थे और उनको असिस्ट डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर कृष्णा, डॉक्टर अंकिल, इन्होंने उनको असिस्ट किया और एनेस्थेशिया डॉक्टर एहसान सिद्दीकी सर ने दिया था। और ऑपरेशन के बाद पेशेंट की हालत बिल्कुल सही है, ज़्यादा खून भी नहीं बहा और जो ट्यूमर जो निकाली थी उसको हमने बड़ी पैथोलॉजी में आगे की जाँच के लिए भेज दिया। इस ऐसे मरीजों में अगर ऐसा ट्यूमर निकलता है तो उन्हें किस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं? ऐसे मरीजों में पहले अगर बहुत बड़ा ट्यूमर होने की वजह से एक तो उसको गर्दन घुमाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, उसको बाहरी शोशरी बाहर आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और अगर ये ट्यूमर बहुत दिनों तक रहता है तो जनरली इस तरीके के ट्यूमर कैंसर में बदल जाते हैं जो कि शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है। फिर इसको निकालना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि सांस में लेने में दिक्कत है, खाना खाने में दिक्कत है, ये दिक्कतें भी आ जाती हैं अगर ये ट्यूमर बहुत दिनों तक रहता है। तो इसको जल्दी से जल्दी निकालना ही इसका सबसे अच्छा उपाय होता है। अच्छा, और अगर ऐसा ट्यूमर कहा जाए तो अमूमन कितने लोगों में ये देखने को मिल जाता है? लगभग 5 से 6% लोगों में, जो सर के हिस्से के जितने ट्यूमर होते हैं, लगभग 5 से 6% के ट्यूमर जो होते हैं वो जो लार्ज ग्रंथियाँ होती हैं उनके में रहते हैं। और इस तरीके का जो इतना बड़ा ट्यूमर होता है वो जनरली लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत दिनों तक है, तो इसकी वजह से इस तरह के ट्यूमर बहुत रेयर देखने को मिलते हैं कि वो अचानक से किसी वजह से मैलिग्नेंसी में चेंज हो गए, कैंसर में चेंज हो गए, इससे से इतने बड़े हो जाते हैं। जैसे कि उसने इन्होंने बताया कि 2 साल से दिक्कत होना ज़्यादा शुरू हुई, तो अमूमन हम भी यही सोच रहे हैं कि कुछ इसमें और कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो क्या इस पेशेंट को और भी कोई दिक्कत होने की आशंका है? अभी ऑपरेशन के बाद तो अभी हम अभी कुछ 6 दिन के लिए हम उसको अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम अभी यही दिक्कत सोच सकते हैं कि अंदर कुछ भी ऐसी कोई खून महीने की कोई दिक्कत है, उसके लिए हमने उसको यहाँ नली भी डाल के रखी है। बाकी अभी हम कोई भी और ऐसी दिक्कत कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी, जब क्योंकि ट्यूमर हमने पूरी तरीके से निकाल दिया।